स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज की वीडियो में आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और इसे हम आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाला बनाएंगे जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से आप हैवी साइज के लिए प्लाजो बना सकते हैं तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपका प्लाजो बहुत ही कम्फर्टेबल बनेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसे पहनने में तो मैं गारंटी लेती हूँ हंड्रेड आपका प्लाजो बहुत ही कम्फर्टेबल बनेगा हर तरीके से एक एक स्टेप आप फॉलो करिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए एंड था तभी आपको उसे समझ आया तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और ये कपड़ा ढाई मीटर है हमारा तो मैं इसे बनाऊंगी बिना लाइनिंग के आप चाहे तो लाइनिंग लगा सकते हैं तरीका सेम ही रहेगा लाइनिंग के लिए भी और बिना लाइनिंग के लिए भी। तो इसे मैं बयालीस हिप साइज के हिसाब से बनाऊंगी तो जिन लोगों का हिप साइज बयालीस और वेस्ट अड़तीस है तो वो बिल्कुल आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले कपड़े को आपको खोलना है पूरा ये देखिए ये हमारे कपड़े की लेंथ है ये व्यर्थ है हमारी तो हमें ये चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करना है ये देखिए किनारे वाली साइड आपकी आगे तरफ होनी चाहिए और बंद वाली साइड आपकी इस तरह से अपनी तरफ होनी चाहिए इस तरह से पूरे कपड़े को आपको बिछा कर रखना है तो सबसे पहले ऊपर से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे और इसे कट करके निकाल देंगे तो देखिए मैंने बराबर कर लिया है जो कपड़ा ऊँचा नहीं था उसे मैंने कट कर दिया है तो मेजरमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है मैंने सबसे पहले निशान लाएंगे लेंथ का तो इसकी लेंथ में रखूंगी 35 इंच एक इंच के ऊपर हमारी बेल्ट आएगी तो इंचे को मैंने एक इंच ऊपर निकाल के 35 इंच पे निशान लगा दिया है नीचे फोल्डिंग के लिए हम ढाई लेंगे तो देखिए लेंथ का निशान हमने लगा लिया है और अब देखिए निशान हम बंद वाली साइड से लगाएंगे करीब आधा इंच पर तो देखिए आधा इंच पर निशान हमने लगा लिया है, बंद वाली साइड से अब हम मार्क करेंगे अपनी वेस्ट का तो चौड़ाई का निशान जो लगाएंगे हम अपने हिप के हिसाब से लगाएंगे और जो हम अपना आसन का निशान लगाएंगे वो अपने हम वेस्ट के हिसाब से लगाएंगे तो मेरे साइज़ में हिप साइज़ है बयालीस इंच उसका फोर्थ पार्ट करना है फोर्थ पार्ट होगा उसका साढ़े दस इंच और उसमें हमें डेढ़ इंच प्लस करना है तो हो जाएगा बारह इंच तो मेरे साइज में आया है बारह इंच आपका साइज कोई भी हो सकता है आपको सिर्फ उसको चार से भाग करना है उसमें आपको डेढ़ इंच प्लस करना है देखिए हमने इस तरह से बारह इंच पे निशान लगा दिया अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा है हिप साइज़ मान लीजिए आपका अड़तालीस है या पचास है उससे ऊपर है तो आप डेढ़ की जगह आप यहाँ दो इंच प्लस कर सकते हैं और आप नाएंगे अपने आसन का तो आसन के लिए भी जो भी आपकी वेस्ट है उसको आपको चार से भाग करना है प्लस उसमें भी आपको डेढ़ इंच ही करना है तो मेरे साइज में है वेस्ट अड़तीस इंच उसका फोर्थ पार्ट होगा साढ़े नौ इंच इसमें भी हमें डेढ़ इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा ग्यारह इंच तो ग्यारह इंच पे हम निशान लगाएंगे तो एक इंच तो हमारे ऊपर बेल्ट आएगी तो इन टेप का ऊपर निकाल दे एक इंच और उसके बाद आप ग्यारह इंच पर निशान लगा ले और एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको वेस्ट का जो आपको नाप लेना है वो जहाँ पर आप पैंट पहनते हो वहाँ से लेना है जो हम सूट में वेस्ट रखते हैं वो आपको वो नाप नहीं लेना है जहाँ से हम पैंट पहनते हैं आप नीचे पहनते हो तो वहाँ से नाप लें जहाँ ऊपर पहनते हो थोड़ा ऊपर से नाप लें जहाँ पर पैंट पहनते हो आपको वहाँ से अपनी वेस्ट का फिक्स नाप लेना है उसी के हिसाब से आपको ये अपनी आसन निकालना है तभी आपकी पैंट या प्लाजो बहुत परफेक्ट बनेगा अगर आपको नहीं पता नाप आप किस तरह से लेना है तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का और अब देखिए आगे लगाएंगे हम ये यहाँ से ढाई इंच पर अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा है जैसे मैंने बताया आपका अगर अड़तालीस है या पचास है उससे ऊपर है तो आप ढाई की जगह यहाँ पर तीन इंच लें नॉर्मल साइज़ के लिए हमारा ढाई इंच ही रहेगा ये अगर आप हिप साइज चवालीस तक या छियालीस तक बना रहे हैं तो भी आप ढाई इंच ही ले उससे ऊपर ऊपर आप यहाँ पर तीन इंच ले सकते हैं तो हमने ढाई इंच पर निशान लगा लिया अब यहाँ से निशान लगाएंगे हम डेढ़ इंच पर और ये आपको डेढ़ इंच ही लेना है और यहाँ से हम गोलाई करेंगे इसकी ये देखिए हमने गोलाई कर दी है अब देखिए निशान लगाएंगे अपने हम बॉटम का तो उसके लिए हमें पहले सेंटर करना होगा तो ये इसे हम देखिए पूरा नापेंगे जो हमने निशान लगाया था बारह इंच और उसके बाद हमने ढाई इंच और लिया था तो इसका हम पूरा करके इसका हाफ कर लेंगे तो ये हमारा देखिए टोटल आया था साढ़े चौदह इंच उसका हाफ़ करेंगे तो हो जाएगा सवा सात इंच तो सवा सात सात इंच पर हम निशान लगा देंगे और इसका सेंटर कर लेंगे ऊपर से भी सेम इसी तरह से हमें निशान लगाना है सवा सात इंच पर तो पूरा नीचे तक हम सवा सात सात इंच पर इसका निशान लगा लेंगे इस तरह से आपको सेंटर करना है स्केल से निशानों को हम मिला देंगे सीधा इसके बाद चलाएंगे अपने हम बॉटम का तो इसका बॉटम थोड़ा मैं लूज़ रखूँगी क्योंकि ये प्लाजो है तो इसका बॉटम मैं रखूँगी आठ इंच रेडी होगा मेरा आठ इंच तो आठ का अब हम आधा आधा लेंगे चार चार इंच लाइन के दोनों तरफ हम चार चार इंच पे निशान लगाएंगे जितना भी आपको बॉटम रखना है आपको लाइन के दोनों तरफ उसका हाफ हाफ रखना है बॉटम आपकी मर्जी है आप कम भी ले सकते हैं या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं आप तो देखिए लाइन के दोनों तरफ हम चार चार इंच पे निशान लगा देंगे बॉटम के लिए अब शेप पट्टी लेंगे और शेप देंगे हम देखिए इस तरह शेप देनी है आपको अब शेप पट्टी को घुमाएंगे और दूसरी तरफ से भी हम सेम इसी तरह से शेप देंगे अब देखिए जो शेप पट्टी के ऊपर गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ से हम ऊपर की तरफ शेप देंगे इसीलिए हमने पहले आधा इंच पे निशान लगाया था ये देखिए हमने शेप दे दी अपनी अब निशान लगाएंगे अपनी हम डार्ट का क्योंकि ये, ये हमारी बेल्ट वाली बनेगी तो इसमें हमारी डाट आएगी तो डाट हम लगाएंगे साढ़े चार इंच पर और दोनों साइडों से हमें करीब एक एक इंच कपड़ा दबाना है ये देखिए तो डाट का पॉइंट लगा दिया हमने लगाएंगे पॉकेट का तो ऊपर से निशान लगाएंगे हम एक इंच पर और उसके बाद निशान लगाएंगे छः इंच पर अब देखिए हम करीब एक इंच हम आसन को थोड़ा कम करेंगे इसे फ्रंट वाले आसन को तो मैंने एक इंच पर निशान लगा कर थोड़ा आसन को इस तरह से तिरछा मिला दिया है और ये जो हमने एक इंच कम किया है ये हमारा सिर्फ आसन की तरफ से कम होगा एक इंच और अभी से हम कट कर लेंगे अभी हमने जो एक इंच पर निशान लगाया है आसन डाउन करने के लिए उसे हम कट नहीं करेंगे उसे हम बाद में कट करेंगे बैक पार्ट कट करने के बाद देखिए फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है जो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने सेम उचित तरह से बिछा लिया है अब इसमें हम ऊपर निशान लगाएंगे करीब दो इंच पर और स्केल से सीधा कर लेंगे इस निशान को ये देखिए निशान लगा लिया हमने ऊपर दो इंच पर इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था इसे इसके ऊपर रखेंगे हम अब देखिए इस, इसमें हमें जैसे हमने फ्रंट पार्ट में सेंटर किया था सवा सात इंच पर तो इसमें भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे सवा सात इंच पर और बिल्कुल इस तरह से देखिए जो सेंटर वाली लाइन है उसमें तो इस तरह से रखना है आपको अब देखिए आगे हम चलाएँगे ढाई इंच पर ये देखिए और इसको हम स्केल से देखिए ऊपर तो सीधा कर देंगे देखिए बैक पार्ट हमारा ऊपर की तरफ से दो इंच साइड से हमारा ढाई इंच एक्सर रहेगा यहाँ से भी डेढ़ इंच लेंगे और गोलाई देंगे जैसे हमने फ्रंट में दी थी अब देखिए नीचे से हम लेंगे डेढ़ इंच नीचे से निशान लगाना है आपको डेढ़ इंच पर और शेप पट्टी से आपको इस तरह शेप दे देनी है ये हमारा ऑलरेडी इस तरह से हमारी शेप अच्छी आ जाएगी ऊपर थोड़ा लूज रहेगा नीचे से हम बिल्कुल हमारा डेढ़ इंच रहेगा अब देखिए जो ऊपर से हमने दो इंच एक्स्ट्रा लिया था इसे हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे तो बैक पार्ट का जो आसन रहेगा वो हमारा दो इंच एक्स्ट्रा रहेगा और एक इंच जो फ्रंट का आसन है उसे हमने एक इंच डाउन किया है अब इसे हम कट कर लेंगे जो बैक का आसन हम बड़ा लेते तो उससे हमें पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है और पैंट नीचे तरफ खिसकती नहीं है बैठने पर ये देखिए हमने कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को देखिए अलग कर लेते हैं और जो हमने निशान लगाया था एक इंच हमने कट कर दिया है जो हमारे डांट के पॉइंट है उस पर कट लगा लेंगे और जो हमारा पॉकेट के पॉइंट है उन पर भी हम कट लगा लेंगे तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट ये बैक पार्ट तो कटिंग हमारी हो चुकी है अब इसकी हम पॉकेट कट करेंगे देखिए हमारे पास बचा हुआ कपड़ा ये एक साइड से खुला हुआ है इसे हम बाद में स्टिच कर लेंगे डबल कपड़ा रखा है ये लेंथ हमने ली है चौदह इंच यहाँ से लेंगे हम सात इंच ऊपर से लेंगे साढ़े छः इंच और इसको स्केल से देखिए इस तरह से मिला देंगे अब नीचे से चलाएंगे डेढ़ इंच पर और यहाँ से हम गोलाई करेंगे तो ये हमारे पॉकेट की मार्किंग हो चुकी है अब इसे भी हम कट कर लेंगे तो देखिए पॉकेट भी हमारी कट हो चुकी है कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है इसको सिलना स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके हम आसन सिलेंगे तो बैक और फ्रंट दोनों के आपको आसन सिलने सी हैं सीधे इसे मैं दोनों अंदर तरफ करे हुए हैं और आसन पर सिलाई लगा लेंगे सिलाई हमको डबल लगानी है आसन पर देखिए फिर आसन हमने सिल लिए है ये हमारा फ्रंट पार्ट है अब इसमें हमें डालनी है डार्ट तो एक साइड हमारा निशान है दूसरी साइड भी हम निशान लगा देंगे तो साढ़े चार इंच पर निशान लगाया था डार्ट का ये देखिए इसमें हम डार्ट डालेंगे तो दोनों साइडों से हमारा एक एक इंच कपड़ा हमारा दबना चाहिए प्लेट में दोनों डार्ट को हम डाल लेंगे देखिए फ्रेंड्स ये हमने डाट भी डाल ली है अपनी दोनों इसको सीधा करेंगे इसमें हमें लगानी है पॉकेट तो पॉकेट में अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ पॉकेट किस तरह से लगाते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ से जाकर देख सकते हैं मैं लिंक डाल दूँगी वीडियो का तो वहाँ से देख के पॉकेट लगाना आप सीख सकते हैं तो इसकी पॉकेट लगा कर दिखा देती हूँ मैं आपको पूरा तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने पॉकेट लगा ली है अपनी देखिए आप देख सकते हैं इसके बाद देखिए अब इसमें हम लगाएंगे ऊपर बेल्ट तो देखिए बेल्ट के लिए मैंने लिए है पेस्टिंग अब जितना हमारा प्लेट डालने के बाद बचा है ऊपर उसके हिसाब से हम पेस्टिंग कट कर लेंगे अब देखिए मैंने ये स्ट्रिप कट की हुई है पेस्टिंग को चिपकाने के लिए तो देखिए पेस्टिंग को मैंने चिपका दिया है और इस जो कपड़े की जो इस तरह से लेंथ है वो मैंने साढ़े तीन इंच ली है और इससे भी मैं अपन तरीका बताती हूँ आपको कपड़ा किस हिसाब से लेना है आपको आपको आधा इंच ऊपर छोड़ के आपको पेस्टिंग चिपकानी है और जब आप उसे फोल्ड करोगे फोल्ड करने के बाद आपका नीचे आधा इंच बचना चाहिए तो इस तरीके से लेंगे तो आप एकदम बेड बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी तो मैंने देखिए पेस्टिंग को चिपका लिया ऊपर आधा इंच कपड़ा छोड़ के और जब मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया फोल्ड करने के बाद नीचे हमारा आधा इंच कपड़ा बचा हुआ है अब हमें निशान लगाना है चौक से जहाँ तक हमारी पेस्टिंग आई हुई है उस पूरे पे आप निशान लगा ले देखिए इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारी पेस्टिंग आ रही है इसे फोल्ड करने के बाद ये बहुत अच्छा तरीका है बिल्कुल बेल्ट बिल्कुल फिट बैठती है इससे आप जरूर ट्राई करें एक बार तो देखिए निशान हमने लगा लिया है अपने कपड़े पर अब इसे हम अटैच करते हैं फ्रंट पार्ट में तो देखिए इसे हम उल्टी तरफ से रखेंगे इस तरह से देखिए और जो हमने चौक से निशान लगाया उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे उल्टी तरफ से देखिए उल्टी तरफ रखना है आपको बेल्ट को तो सिलाई लगा लेते हैं मैं दिखाती फिर आपको तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा ली है अपनी बेल्ट में और अभी से हम देखिए राइट साइड को पलटेंगे देखिए ऊपर से आधा इंच हमने देखिए फोल्ड इस तरह से किया हुआ है और इस तरह से आप फोल्ड करोगे बिल्कुल आपकी बेल्ट परफेक्ट आएगी और जो सिलाई हमें लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आएगी ये तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है बेल्ट लगाने में वो इस तरीके से जरूर करके देखे एक बार अब बेल्ट हमारी लग चुकी है पॉकेट हमारी लग चुकी है अब जो बैक पार्ट है उसे हम अटैच करेंगे इसमें देखिए इस तरह से रखेंगे और दोनों साइडों से इसमें हमें सिलाई लगानी है पूरा ऊपर तक नहीं सिलेंगे थोड़ा हम करीब डेढ़ इंच छोड़ देंगे क्योंकि हमें बैक पार्ट में भी प्लास्टिक के लिए पट्टी अटैच करनी है तो हम दोनों साइडों से करीब डेढ़ डेढ़ इंच हम छोड़ देंगे तो हमने साइड अटैच कर ली है अपनी दोनों तरफ से और साइड ऊपर से हमने थोड़ा खुला छोड़ दिया है अब इसमें लगाएंगे हम पीछे पट्टी इलास्टिक के लिए तो देखिए मैंने पट्टी कट की हुई है पट्टी की जो इस तरह से चौड़ाई और लेंथ लिए मैंने साढ़े चार इंच ली है मेरी लास्टी थोड़ी चौड़ी है अगर लास्ट थोड़ी कम है आपकी तो आप ये चार इंच की पट्टी ले सकते हैं और लेंथ हमने पूरा जितना हमारा बैक पार्ट की लेंथ है उसके हिसाब से लिया इसे और अब इसे हम अटैच करेंगे तो सीधी साइड से अटैच करेंगे इसे हम देखिए इस तरह से उल्टी तरह से रखेंगे इसे हम पट्टी को पूरे पे इसे हम स्टिच कर लेंगे बाकी मैं मशीन के ऊपर दिखाती हूँ आपको तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने स्टिच कर लिया है अब एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लेंगे हम इस तरह से लगाएंगे तो आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका नीफा फोल्ड हो जाएगा बिना किसी झोल के ये देखिए पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई भी हमें लगा ली है अब देखिए जो साइडों से हमारा खुला हुआ था ये इसे हम इस तरह से देखिए स्टिच कर लेंगे दोनों साइडों से हमें ये इस तरह से स्टिच कर लेना है स्टिच कर लिया है हमने अब इसका हम नेफा फोल्ड करेंगे ये देखिए तो देखिए सिलाई को आपको बैक की तरफ करना है और इसे हम देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अब फोल्ड करके इस पर लगा लेंगे हम सिलाई और पूरा नेफा फ़ोल्ड कर लेंगे आप चाहे तो डायरेक्ट आप इलास्टिक डाल सकते हैं या फिर आप पूरा नेफा फोल्ड करने के बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डालें जैसा आपको ईजे लगे मैं आप दोनों तरीके से आप बना सकते हैं जो बिगनर्स है वो इस तरह से करें तो पूरे नेफे को हम फोल्ड कर लेंगे देखिए दोनों साइडों से हमें खुला छोड़ना है नेफा अब मैंने देखिए इलास्टिक तो इलास्टिक आपको जितनी आपकी वेस्ट है अगर पूरा राउंड में डालते हैं तो आपको छः इंच कम करना है मगर मुझे ये हाफ में डालनी है तो मेरी अड़तीस वेस्ट है उसका हाफ होगा उन्नीस इंच अब उन्नीस में से हम करीब चार इंच माइनस कर देंगे इलास्टिक में तो मैंने पंद्रह इंच की इलास्टिक ली है अब इसे हम सेफ्टी पिन के हेल्प से डाल लेंगे देखिए इलास्टिक हमने डाल ली है अब देखिए इस इलास्टिक को साइड दोनों साइडों से इसे हम स्टिच कर लेंगे जो हमने खुला छोड़ा था तो इलास्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे और इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे तो दोनों तरफ से हमें ये स्टिच कर लेना अच्छे से तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है और हमारी सिलाई बिल्कुल गुम हो गई है देखिए साइडों से अब एक सिलाई इसमें खींच कर लगानी है हमको ताकि हमारी लास्टिक खट्टी ना हो तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी हमने खींच कर तो ऊपर से बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है अब इसका हम नीचे का बॉटम तैयार करेंगे तो, तो बॉटम में मैं अपने सूट की पट्टी लगाऊंगी तो ढाई इंच तो हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा उसका निशान लगा लेंगे और ढाई इंच उसके हम ऊपर निशान लगाएंगे एक तो दो निशान हमको लगाने हैं अब स्केल से निशानों को हम कर लेंगे सीधा ये आपकी मर्जी है आप लगाना चाहते हैं लगाए है, वरना आप सिंपल बना सकते हैं ये देखिए दो निशान मैंने लगा लिए अब देखिए मैंने ये सूट की अपनी ये पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो करीब डेढ़ इंच ली है आप चौड़ी भी लगा सकते हैं मैंने डेढ़ इंच ली है और दोनों तरफ से इसे हमने आधा आधा इंच इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा लिए अच्छे से इस पर ये देखिए अब जो निशान लगाया था हमने ऊपर ढाई इंच पर इस निशान के ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे और पिन लगा लेंगे इस पर अच्छे ताकि हिले ना ये देखिए और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई तो दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है देखिए पट्टी को हमने अटैच कर लिया है अब इसका नीचे से हम बॉटम फोल्ड करेंगे तो जो हमने ढाई इंच पर देखिए निशान लगाया था ये देखिए इस तरह से तो पहले हमें जो सेंटर की जो सिलाई है वहाँ से हमें फोल्ड करना है ये इस तरह से और इसमें पिन लगा लेनी है पहले सेंटर में ये देखिए इस तरह से कभी भी आप नीचे बॉटम फोल्ड करें पहले सेंटर से आपको फोल्ड करना है उसके पिन लगानी है देखिए इस तरह से तो कभी भी आपका जो नीचे से ऊंचा नीचे आता है वो तो कभी भी ऊंचा नीचे नहीं आएगा और बिल्कुल इक्वल आपका बॉटम फोल्ड होगा और अभी से हम बॉटम को फोल्ड कर लेंगे तो देखिए मैंने दोनों बॉटम हमने रेडी कर लिए हैं अब इसकी हम करेंगे फिटिंग तो इसको मैंने उल्टा कर लिया है मुझे रखना है आठ इंच इसका बॉटम तैयार तो आठ पे निशान लगा लिया है और इस पर लगा लेंगे हम सिलाई तो अब मैं अब आप आपको इसका पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी पूरा रेडी होने के बाद तो देखिए ये हमारा प्लाजो पूरा रेडी हो चुका है मैंने अच्छे से प्रेस लगा ली है इस पर ये देखिए और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये प्लाजो बना है और पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है बहुत ही कम्फर्टेबल है ये तो कभी अगर आप हैवी साइज़ के लिए बनाए तो इस तरीके से बना देखिए बहुत ही कम्फर्टेबल रहेगा तो मैंने तो ये बेल्ट वाला बनाया है अगर आपको फुल इलास्टिक वाला बनाना है तो फुल इलास्टिक वाला भी बना सकते हैं तो काफी सारी वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है स्ट्रेट प्लाजो की स्ट्रेट पैंट की तो अलग से आपको फोल्डर मिल जाएगा प्ले में तो वहाँ से देख आप किसी भी तरह की पैंट और प्लाजो बना सकते हैं तो फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे समझाने की कि स्टेप अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं रिप्लाई जरूर करूंगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करें वहाँ पर भी मैं अपनी वीडियो डालती रहती हूँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टिच वित्रिया के नाम से तो प्लीज़ जाइए मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी नए डिज़ाइन के साथ तब तक के लिए गुड गुड